और अधातु के रासायनिक गुणों के अंतर्गत धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया का अध्ययन किया। वीडियो के अंत में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि कॉपर को जब नमीयुक्त वातावरण में रखते हैं तो उस पर हल्की हरी परत जम जाती है। ये तो हल्की हरी परत है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होती है। यानी जो कॉपर यानी तांबे पर तो हल्की हरी परत आपको दिखाई देगी, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होगी। इस वीडियो क्लास में हम धातुओं की लिटमस पत्र के साथ क्रिया और अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया और अन्य रासायनिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाते हैं और मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर जो उसकी राख होती है उसकी राख को हमें जल में घोलना है। यानी कि मैग्नीशियम का जो रिबन है इसको जलाना है और जलाने पर जो उसकी राख बनती है इस राख को हमें जल में घोलना है। जब आप मैग्नीशियम की राख को जल में घोलेंगे और उस विलयन में अगर आप लाल लिटमस पत्र लेकर के जाएंगे यानी जो आपने घोल किया है उसमें आप लाल लिटमस जो पत्र है उस लाल लिटमस पत्र को जब आप लेकर के जाएंगे तो ये नीला हो जाएगा। ये लाल लिटमस पत्र का नीला होना ये बताता है कि जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लाल लिटमस पत्र जो है वो नीला हो रहा है ये बताता है कि जो धातु के जो ऑक्साइड हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब हम अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया का अध्ययन करते हैं। अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया
सल्फर को जब हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सल्फर की ऑक्सीजन से जब हम क्रिया कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है और जब इसकी क्रिया कराई तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड जब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम जल से क्रिया करवाते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड इसकी हमको क्रिया करवानी है जल से तो सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण होगा। यह है सल्फर डाइऑक्साइड। जल और सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण होगा। इस सल्फ्यूरस अम्ल में, ये तो सल्फ्यूरस अम्ल है, जब उसमें हम लिटमस पत्र की पहचान करेंगे तो हमें नीला लिटमस पत्र इसमें हमको लेकर के जाना है। सल्फ्यूरस अम्ल के अंदर सल्फ्यूरस अम्ल में जब नीला लिटमस पत्र लेकर जाते हैं तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी कि अगर सल्फ्यूरस अम्ल में अगर आपके जो नीला लिटमस पत्र है, इस नीले लिटमस पत्र को आप सल्फ्यूरस अम्ल में लेकर जाओगे तो ये नीले से ये लाल हो जाएगा। लिटमस पत्र का नीले से लाल होना ये बताते हैं कि सामान्यतः जो अधातु के जो ऑक्साइड है, ये अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः जो अधातु के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सारों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अधातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्साइड का निर्माण करता है, और ऑक्साइड के अंदर जब हम नीले लिटमस पत्र को लेकर के जाएंगे तो वह अम्लीय प्रकृति को प्रकट करते हुए नीला लिटमस पत्र जो है वह लाल हो जाएगा। अगले चरण में धातु और अधातु की जल से अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। जल के साथ अभिक्रिया,
सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। ये ऑक्सीजन में जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके बहुत तेज ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसलिए सोडियम धातु की ऑक्सीजन में जल के साथ बचाव हो, उसका संपर्क नहीं हो, इसलिए सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबो करके रखते हैं। अन्य धातु ऐसा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते, जैसे आयरन। आयरन जल के साथ बहुत ही धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु भी जल से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु जो अधातु है ये वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो सकते हैं, वायु में अपनी क्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के अधातु को जल में रखा जाता है, जैसे फॉस्फोरस। ये बहुत ही सक्रिय अधातु है, इसका वायु से संपर्क नहीं हो, क्योंकि फॉस्फोरस का वायु से संपर्क होने पर ये आग पकड़ सकता है। ये आग नहीं पकड़े, इसलिए फॉस्फोरस को जल में डुबो करके रखते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न श्यामपट पर लिख करके दे रहा हूँ, आपको ये प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। गृह कार्य कार्य जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। धातु एवं अधातु से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक दो, अधातु के भौतिक गुण देखिए। अधातु के भौतिक गुण देखिए। प्रश्न लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया लिखिए। लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया लिखिए। निर्माण चार, क्या कारण है कि क्या कारण है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में को मिट्टी के तेल में फॉस्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं, डुबो कर रखते हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरंतर अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।